द टॉपिक इज सर्व शिक्षा अभियान. ओके, सर्व शिक्षा अभियान वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग अबाउट वेरियस एजुकेशन एजुकेशनल जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे थे प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पॉपुलेशन. इफ यू आर एबल टू सी स्पेशल एम्फसाइज विच व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट स्टोरी. जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस देते थे, स्कूल्स डेवलप करे थे, वोकेशनल स्ट्रीम्स कर दी थी और एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज करा था जैसे 151 करोड़ से 3766 पर और आपकी ओवरऑल जीडीपी की परसेंटेज पे भी जो एक्सपेंडिचर थे वो इंक्रीज कर दिए गए थे. और हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूजुअली दे स्पेंड 15% बट इंडिया इज स्पेंडिंग 3%. सो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंडिया विल ऑल्सो स्पेंड द मे बी सेम अमाउंट सेम परसेंटेज और मोर देन दैट. एंड देन वी हैव लर्न अबाउट द आउटकम्स एंड द चैलेंजेस विच आर कंट्री इज फेसिंग बाय अप्लाइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो सर्व शिक्षा अभियान इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट. अभी क्या है, स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स बाय 2020. एक ही स्टेप लिया गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी. एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है फर्स्ट टू फिफ्थ, मतलब जो फिफ्थ क्लास तक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बच्चों को. गवर्नमेंट चाहती थी कि वो जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं 2020 तक उन्हें वो मिल जाए. मे बी थोड़ा बहुत डिले हो गया हो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, उसकी वजह से सारे प्लान्स जो हैं वो अभी शटअप हुए पड़े हैं. तो वेन एवर वी कम टू द न्यू नॉर्मल, हम न्यू नॉर्मल के साथ जब कंफर्टेबल हो जाएंगे सो गवर्नमेंट इस प्लान पे भी अपना डेफिनेटली दोबारा से सोचेगी जरूर, रीथिंक जरूर करेगी. ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में हम बोल सकते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट यू नो अल्फाबेट्स पता हो, उसे व्यंजन पता हो, मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशंस पता हो, अपने हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी मतलब थोड़ा बहुत उसे अपने अपने सोशल साइंस के बारे में भी पता हो. तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो हम एक बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स द लोकल गवर्नमेंट and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. ये एक initiative है जो central government ने लिया है which states the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. As the elementary education is clear to you, ठीक है, elementary education आपको पता चल गया कि क्या होता है. तो ये एक initiative लिया है central government ने किसके साथ मिलके, state लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी के साथ, कि जो ये उनका गोल है उसे ये प्रॉपरली अचीव कर सके. सी स्टूडेंट्स, एक होता है प्लानिंग करना कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है, और एक होता है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना. तो एग्जीक्यूशन वाला जो पॉइंट होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है. यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट भी ले लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है. अब नाउ लेट्स सी, वो मतलब एग्जीक्यूट हो गया है, वी हैव टू सी व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस. ठीक है, कि अब हम ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है. ओके, आई होप दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट आता है ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स, स्कूल कैंप्स और कैंपस एक ही बात है. ऐसे हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन. अच्छा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द स्काउट एंड गाइड कैंप, जो यूजुअली कहते हैं कि हमें बीएड में सिखाया जाता है, मतलब टेंट बनाना और रस्सी को बांधना और थोड़ी बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि रॉक्स पे चढ़ना, तो ये हम स्काउट एंड गाइड में सिखाते हैं. तो वो यही कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंपस, कि हम ऐसे कैंपस मतलब बनाना चाहते हैं, ब्रिज करना चाहते हैं. ब्रिज मतलब कि इस चीज में, ठीक है, ब्रिज करना चाहते हैं ताकि जो लोग यहाँ पर हैं, मतलब दोज हु कांट अफोर्ड स्कूल और दोज हु कांट एबल टू गो टू स्कूल, उस गैप को ब्रिज करेंगे कहाँ, स्कूल आने के लिए. ठीक है, मतलब अब वो कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाए. इफ यू हैव हर्ड द वन प्रोवर्ब ईच वन टीच वन का मतलब ये होता है कि ये प्रोवर्ब अभी बताती हूँ. जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली सम कॉलेज स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि हाँ हम वीकेंड्स में कि कोई एक गांव में जाएंगे और वहां पे लोगों को पढ़ाएंगे, या फिर वो रोज शाम को जाते हैं या रात को जाते हैं, क्योंकि सुबह जो वहां पे लोग होते हैं वो काम करते हैं तो उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो वो रात को या शाम को उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो बेसिक एजुकेशन जो इसे हम कहते हैं कि वो करे। तो ये एक स्टेप गवर्नमेंट ने भी उठाया है कि जो लोग जा नहीं सकते या अनेबल हैं किसी भी वजह से स्कूल आने के लिए, तो वो एक गैप को ब्रिज करेंगे ताकि वो लोग इस चीज को अचीव कर सके। राइट, सो नाउ दीज थ्री पॉइंट्स आर क्लियर टू यू विच कम अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। एज अ नेम सजेस्ट, सर्व मीन्स सब, शिक्षा इन स्टडी एंड एक अभियान उन्होंने स्टार्ट करा। ठीक है, द नेक्स्ट इज वन द मिड डे मील। इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है बिकॉज मिड डे मील इज वेरी मच क्लियर टू यू। मिड डे मील मीन्स कि उन्होंने शुरू करा है कि जो लोग स्कूल में आते हैं, जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि उन्हें दोपहर का खाना, ब्रंच हम जिसे बोल सकते हैं, नाश्ता प्लस मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच जो उन्हें मिलता है, वो मिड डे मील भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कुछ लोग अपने बच्चे को शायद इसी लालच में भी स्कूल भेज देते हैं कि यार चलो उन्हें हम तो नहीं कर पाते, एटलीस्ट उसे एक टाइम की खाना तो मिल जाएगा खाने को, और स्कूल जाना है, कोई फीस नहीं है, नथिंग जाएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मिड डे मील भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और मेन उनका बेसिक मोटिव ये सब होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, स्पेशली वही 6 to 14 इस वाली एज ग्रुप को अट्रैक्ट कर सके पढ़ाई के लिए, बिकॉज हमें ये पता है कि 14 इयर्स तक आप कोई चाइल्ड लेबर भी नहीं रख सकते। इट्स अ वेरी इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस कि आप किसी को भी एज अ चाइल्ड लेबर नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये मिड डे मील भी वो प्रोवाइड करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये इसी के अंडर है, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर ही आता है। 12th प्लान एंडोर्ड टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एक कंट्री की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को रेज करने के लिए 12th प्लान है। अब ये क्या है, वॉट इज द प्लान इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स। अभी तक हमने 6 से 14 साल पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, अब हायर एजुकेशन के लिए जो 18 से 23 साल के लोग हैं उसे हमें 25 to 2.2% बाय 2017-18 एंड टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाय 2020-21। मतलब कि एक उन्होंने एज ग्रुप को टारगेट करा है, जो हमारी एज ग्रुप है 18 to 23 इयर्स, उसको हमें टारगेट करना है, जैसे पहले थी उनकी 17-18 में 25.2%, तो अब उसे टारगेट को हमें कहां लेके जाना है, 30% तक। सी स्टूडेंट्स, हमने 25.2% अचीव कर लिया, अब गवर्नमेंट सीधा ही नहीं कह सकती कि हाँ जी मैं तो पूरे 100% कर दूंगी। ये गवर्नमेंट के लिए भी एक टारगेट गोल जो होते हैं, हमारे टारगेट होते हैं, हमें सबको पता है कि हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पहले बनाने चाहिए सो दैट कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में टाइम ना लगे। तो उसने भी एक पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि सिर्फ अगर हमने 25% इतना कर लिया तो हम आगे आने वाले 3 साल में शायद 30% तक इजिली अचीव कर पाएंगे, और कर भी रहे हैं। लाइक देखो, अब कोरोना वायरस की वजह से यूजुअली जो एक साल है आप लोगों के लिए, दोज़ हू आर वर्किंग इन यूनिवर्सिटीज, किसी के एंट्रेंस एग्जाम, वो सब मतलब एक तरह से अभी फुल स्टॉप लगा हुआ है सब पे, है ना, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से। सी स्टूडेंट, इट्स वेरी मतलब आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ऑनलाइन क्लासेस और एक फिजिकल क्लास किसी को देना, मतलब फिजिकल इन द सेंस कि किसी को आमने सामने बैठ के पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाई, तो वो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। राइट, सो इतना ज्यादा प्रेशर मत लिया करो, अपनी आईज को रेस्ट भी दो, बहुत जरूरी है अपनी आईज को रेस्ट देना, उन्हें रेगुलरली वॉश करो, अपनी मतलब एक्सरसाइज करो। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, जस्ट रब योर हैंड्स एंड पुट इट ऑन योर आईज, उससे भी आपकी आईज को बहुत रिलैक्स फील होएगा। सो आप ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, हम ये कहते हैं कि वो टारगेट को अचीव कर लेगी। ओके, देन द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस। अब उनकी स्ट्रेटजी है कि उन्हें एक्सेस को इंक्रीज करना है, क्वालिटी को इंक्रीज करना है, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ आईटी। सी स्टूडेंट्स, आजकल क्या कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, अगर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा सब कुछ डिजिटल करो डिजिटल करो, तो ये जो डिजिटलाइजेशन है, ये नेटवर्किंग एंड द यूज ऑफ आईटी मींस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
ये सब इसी के लिए है कि आगे आने वाले टाइम में कैशलेस, पेनलेस और हमारा मतलब टोटली डिजिटल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन में जो हमने वर्ड पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो जो हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में पढ़ा था कि वोकेशनल स्ट्रीम्स भी होनी चाहिए, राइट, आपको याद आया वाला पेज देख के जो हमने सकाल और विलासी स्टोरी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो वोकेशनलाइजेशन है वो भी आना चाहिए और करिकुलम मॉडिफिकेशन भी होनी चाहिए। मतलब हमें सिर्फ पढ़ाई 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 पे फोकस नहीं करना चाहिए, वी शुड इन्वॉल्व सम एक्टिविटीज ऑल्सो। अब यहाँ पे आप ये देखो, थोड़ा सा पीछे जाओ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे जाओ, एक सीसी पैटर्न आया था कि एमसीक्यूज बेस हो गया था, एक्टिविटी बेस हो गया था और बच्चों को थोड़ा मतलब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे थे कि वो ड्रॉइंग करे, पेंटिंग करे, डिबेट करे, मतलब वो जिसमें भी कंफर्टेबल है हम उसका बेस्ट लेकर आ सके उसमें से, ठीक है। तो ये हम मतलब गवर्नमेंट ने ट्राई करा था लेकिन हाँ वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसने इम्प्लीमेंट करा लेकिन उन्हें जो रिजल्ट मिला वो इतना अच्छा नहीं मिला इस चीज का। तो उन्होंने क्या करा कि हम करिकुलम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। आप देखो जैसे आपके लिए जो चैप्टर है वो रिड्यूस कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक तो वैसी वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, ऊपर से आपके लिए इन द सेंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फ्रॉम 9 टू 12 बहुत सारा सिलेबस डिडक्शन हुआ है, 30%, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो जो डिडक्शन हुआ है वो किस लिए किया गया कि हम वर्चुअल क्लासेस में शायद आप लोगों को इतना मतलब वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट लेकिन बच्चे शायद इतने अच्छे से समझ ना पाए हर चीज, तो उनके लिए डिडक्शन हो गया सिलेबस और नहीं पता अभी स्कूल कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, किस हालात में खुलेंगे, तो उन्होंने हर चीज को देखा, ठीक है। तो करिकुलम मॉडिफिकेशन भी होता रहा, कोई चैप्टर ऐड करना है, लेस करना है, बोर्ड एग्जाम जैसे 50% सब्जेक्टिव एंड 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो मतलब हम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट फोकस करती है इन सारी चीजों पे कि हम कैसे भी करके जो हमारा बच्चों तक हमें पहुंचाना है स्टूडेंट लेवल तक, चाहे वो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे वो आपका ये हायर एजुकेशन हो, हम इतने इजी वे में बच्चों को पहुंचाएं कि उन्हें एक डिग्री की बजाय नॉलेज प्रोवाइड हो, राइट। मतलब डिग्री तो ऑब्वियसली बात है मिलेगी ही मिलेगी, बट दे वॉन्ट ही उन्हें नॉलेज भी हो उस चीज की। दैट्स वाई जो आईटी सब्जेक्ट है वो कंपल्सरी ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह हो गया है कि बच्चों को अगर आईटी के बारे में नॉलेज होगी, दे नो हाउ टू यूज कंप्यूटर्स और उन्हें नेटवर्क सारा अच्छे से आता होगा, ऑनलाइन में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो उन्हें जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है जनरेशन भी और जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इजिली ऑप्ट कर पाएंगे, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट कि देखो मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों की बात नहीं कर रही। एंड हम क्या करें कि हमें फोन जब मिले थे व्हेन वी आर इन क्लास 12, राइट, और मेरे से आप जो पहले जनरेशन होगी शायद उन्हें तब मिले होंगे जब उन्होंने अपना कॉलेज, लाइक मेरी जो एल्डर सिस्टर उन्हें तब मिला जब उन्होंने अपना कॉलेज फिनिश कर लिया। लेकिन आज के टाइम में मेरा खुद का बेटा, ही इज ओनली 2.5 ईयर्स ओल्ड और ही नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। वाई? बिकॉज वी आर लाइक, मैं भी पूरी मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, मतलब आई नो हाउ टू यूज इक्विपमेंट्स, दैट्स व्हाई मेरे बेटे को भी वो चीज पता है, बिकॉज वो हमारे हाथ में भी 24 घंटे फोन देखता है। तो ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है कि वो 2.5 साल के बच्चे को अगर ही नोज हाउ टू ऑपरेट अ फोन, कि उसका लॉक कैसे खुलेगा या मुझे यूट्यूब पर वीडियो देखनी है तो वो कैसे चलेंगी, तो बड़ा होके तो वो बहुत अच्छे से इस चीज को सीख जाएगा। तो उसका मेन मोटिव यही है कि नेटवर्किंग पे और आईटी के यूज पे वो ज्यादा फोकस करें। ओके, द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। राइट नाउ आप डिस्टेंस एजुकेशन ही ले रहे हो। ओके, डिस्टेंस एजुकेशन का ऐसा मतलब होता है प्राइवेट क्लासेस। प्राइवेट क्लासेस क्या होती हैं? वीक में एक दो बार आपकी चलती हैं या फिर क्या कहते हैं वीक में नहीं चलती, जैसे ऑनलाइन आपके वीडियोस आ जाती है। मतलब ये सारी चीजें पहले वो करती थी प्राइवेट डिग्री में, मतलब प्रॉपर रेगुलर कॉलेज नहीं होता, ठीक है। कन्वीनियंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आई थिंक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब वो ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन पे वो फोकस करना चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट डिग्रीज हम जिसे बोलते हैं अगर कोई ले रहा है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, कोई बात नहीं, हम उसे भी थोड़ा प्रमोट करें क्योंकि पहले अच्छा प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट, मतलब उसे कोई मतलब एक भाव नहीं देता, बट नाउ दे कैन, दे आर फोकसिंग कि हम उसको थोड़ा सा अपग्रेड करें। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया। यस, वी ऑल नो दैट देयर आर नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, वी ऑल नो, राइट।
लाइक डी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एक नो सी सी एस यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सुभाती यूनिवर्सिटी, मतलब दीज आर द यूनिवर्सिटीज जो मुझे पता है. एंड देयर आर इन अनकाउंटेबल, एक्चुअली आई मस्ट से अनकाउंटेबल तो नहीं, हाँ, बट देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल इन द स्पेशलाइज्ड एरिया. बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको हायर एजुकेशन जो है वो इजिली मिल सकती है, राइट? सो आई होप दिस टॉपिक इज टोटली क्लियर टू यू. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, राइट? ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ. ओके, क्या टॉपिक हमें स्टार्ट करना है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ. सॉरी, मैंने एम्प्लॉयमेंट बोल दिया था, बट वी हैव टू स्टार्ट दिस वन टॉपिक बिकॉज ये हमने करा नहीं था. मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के जो दो पॉइंट्स थे, एजुकेशन एंड हेल्थ, तो हम उसमें अब हेल्थ पढ़ेंगे. ठीक है, अब ये टॉपिक आपका क्या कहता है? सी, एजुकेशन जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ भी है. अब कैसे है, अगर मैं साकाल की स्टोरी पे वापस आऊं, साकाल जो है यहाँ पर, मैं अब यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे साकाल जो थे वो एजुकेटेड थे, राइट? एजुकेटेड थे क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनकी हेल्थ पे और उनकी एजुकेशन पे मतलब प्रॉपर ध्यान दिया था. अब जब साकाल एजुकेटेड है तो जिससे वो शादी करेंगे या वो अपनी फैमिली ग्रो करेंगे, डेफिनेटली सी बात है वो भी एजुकेटेड होगी. और जब वो एजुकेटेड होगी तो वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेगी. जब वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगी तो आगे चल के जब उनके बेबी होंगे, जब उनकी फैमिली ग्रो होगी, जब साकाल और उसकी वाइफ दोनों ही एजुकेटेड और हेल्दी है, मतलब दे फोकस ऑन हेल्थ, तो वो अपनी फैमिली पे भी देंगे. इट्स वेरी ऑब्वियस. ठीक है, तो जब एक हेल्दी पॉपुलेशन हमारे पास होगी तो डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट देम इनटू आवर रिसोर्सेज. अब क्या होता है कि एक पर्सन है कि वो पढ़ा लिखा तो है लेकिन बहुत बीमार रहता है, तो दैट पर्सन इज अ लायबिलिटी फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि वो कुछ आउटपुट तो हमें नहीं देना ना, बल्कि उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट ही लग रही होगी वो जिसके घर पे भी होगा. ठीक है भाई, आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफ द पर्सनल एग्जाम्पल, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, राइट? और अगर कोई ऐसा आपने ऑफिस में ऐसा आपका पर्सन है, इज वेरी एजुकेटेड, वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो बहुत बीमार रहता है, महीने में सिर्फ 10 दिन आता है या 15 दिन आता है, आपने उन्हें पोस्ट दे दी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की. अब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केटिंग का सारा बोझ उसी के ऊपर रहेगा, लेकिन वो जब आएगा ही 10 दिन या 15 दिन क्योंकि वो बीमार रहता है, तो आपका काम कैसे चलेगा? तो वो लायबिलिटी अपने ऑफिस के लिए भी होएगा, मतलब अपने ओनर्स के लिए भी होएगा. तो फिर उनका क्या होएगा कि चलो ठीक है, ओनर का तो बेनिफिट हो रहा है कि मुझे 15 दिन की सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो 15 दिन के लिए फिर किसी और को अपॉइंट करे और 15 दिन के लिए किसी और को, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता. तो वो मतलब पर्सन शुड बी हेल्थी. हम सब लोगों ने कहावत सुनी है, हेल्थ इज वेल्थ, और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज. सो हर चीज में हम जिक्र करते हैं अपनी बींग हेल्दी. आप जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तब भी आपको बोलते हैं कि आप बहुत हेल्दी डाइट लो, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोई कोरोना इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. तो ये सारी चीजें हैं जो एक मतलब पॉपुलेशन अगर हेल्दी होगी तो वो इकोनॉमी के लिए बर्डन नहीं रहेगी. ठीक है, दैट विल नॉट बी द लायबिलिटी, दैट पॉपुलेशन बिकम्स द एसेट फॉर द इकोनॉमी. ठीक है, अब हमें गुड हेल्थ की जरूरत ही क्यों है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. नीड ऑफ द गुड हेल्थ, अब हमें गुड हेल्थ की जरूरत क्या है? उससे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ से आप समझते ही क्या, गुड हेल्थ की डेफिनेशन. हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रेजिंग वन वेलबींग. मतलब कोई इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि आप मेजर नहीं कर सकते किसी की हेल्थ को, या भाई मैं तो उसे ये भी खिलाती हूँ, वो भी खिलाती हूँ, ये भी पिलाती हूँ, वो भी पिलाती हूँ, तो मेरा बच्चा बहुत हेल्दी रहेगा. जरूरी नहीं है कि एक मोटा दिखने वाला इंसान बहुत हेल्दी हो, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बिल्कुल पतला दुबला सा शरीर जिसका है और वो बहुत आपको अच्छे से दिखता है, वो अंदर से बहुत हेल्दी हो, तो आप कोई पर्टिकुलर मेजर नहीं है उसका. हेंस फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री. ये हमें क्या कर लेते हैं, एक प्रायोरिटी पे हमें रखना पड़ता है. ठीक है,
तो व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस, फिर इसे अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन टू अचीव दिस। सी अब हम आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा। आई होप आपको हेल्थ का मतलब समझ में आया हो। हेल्थ देखो मैं बात समझा देती हूँ, हेल्थ का हम ना हेल्थ को मेजर नहीं कर सकते, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इसकी। हम ये कहते हैं कि एक हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये कंट्री की एक प्रायोरिटी है कि हमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट हेल्थ इज गोइंग टू बी, मतलब एक वन हेल्दी पर्सन इज गोइंग टू बी आर एसेट फॉर द इकोनॉमी। हमें लाइबिलिटीज पसंद नहीं है, हम लाइबिलिटी किसी को नहीं बनाना चाहते, हम हर एक पर्सन को, लाइक माई पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो हम हर एक पर्सन को एसेट बनाना चाहते हैं रेदर देन लाइबिलिटी। ओके नाउ द स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आर पॉपुलेशन, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट। अंडर प्रिविलेज स्पेशली हमने फोकस दिया है अंडर प्रिविलेज सेगमेंट पे, ठीक है। डेटा फ्रॉम बुक, दैट डेटा इज मेंशन इन योर बुक जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये अंडर प्रिविलेज सेगमेंट क्या है या एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर क्या है, देखो आप लोगों ने ये सुना है, मतलब आंगनबाड़ी सुना है जो गांव में होते हैं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिनकी डिलीवरी होती है, तो वैसे प्राइवेट में भी जिसकी डिलीवरी होती है जिन प्रेग्नेंट वुमेन्स की, तो उनको एक वो कार्ड सा मिल जाता है वैक्सीनेशन का कि आपको ये वैक्सीनेशन करानी है बेबी की, जो प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है। और अगर किसी का ट्रीटमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही चल रहा है तो उन्हें सारे मतलब उनके पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में उन्हें क्या बोलते हैं कि प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड होंगी, उनको डाइट चार्ट भी मिलता है, उन्हें एक्सरसाइज के लिए बताया जाता है इफ नीडेड, तो पता उनकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि फिर आगे आने वाली जनरेशन उन्हीं पर डिपेंड करती है कि वो जैसा खाएंगी पिएंगी, जैसे मदर की हेल्थ होगी वैसे ही बेबी की हेल्थ होगी, ठीक है। चलो ये बात होगी प्रेग्नेंट वुमेन्स की। अब हो गए जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं या जो हमारे नॉर्मल पर्सन भी हैं, तो आजकल सब जगह का बहुत ध्यान दिया जाता है। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, व्हाट हैपन कि मेरे बेबी की जो डिलीवरी हुई थी वो प्राइवेट सेक्टर में हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी, बट जो उनके इंजेक्शन थे वी यूज टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर दोज इंजेक्शन। ओके सो जब वो इंजेक्शन हम मतलब उनको रेगुलरली लगाने लगे तो उनका नाम, मतलब आफ्टर बर्थ सर्टिफिकेट वैसे भी नाम रजिस्टर हो गया था, तो कंटिन्यूशन बेसिस पे वी गॉट द कॉल फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द गवर्नमेंट पीपल कि अब उनके वैक्सीनेशन का टाइम है तो आप उन्हें लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे। और मतलब जब ही यूज टू डू ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत सारी मुझे डाइट्स भी बताते थे कि आपने प्रॉपर डाइट ली है नहीं ली है, आपको ये खाना है आपको वो खाना है, और मतलब दे यूज टू टेक अ प्रॉपर केयर फॉर एटलीस्ट वन ईयर, मतलब उन्होंने मेरी भी ली और वैक्सीनेशन के लिए अब भी कॉल आती है। तो ये क्या है कि एक हेल्थ इम्प्रूवमेंट ही है, हेल्थ स्टेटस ये है जो कंट्री एक ऑप्ट कर रही है, ठीक है। जैसे आप फोन करते हो तो कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जब लॉकडाउन था तब भी बताते हैं कि अपने हाथ मुंह ढंग से धोएं, कवर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। तो क्या ये हेल्थ प्रायोरिटी, मतलब कंट्री की एक प्रायोरिटी बन गई है लोगों की हेल्थ जो उन्हें फॉलो अप करनी ही करनी है, ठीक है। वॉट इट समझ में आया, हाँ। सो आउटकम एंड द चैलेंजेस, बिफोर आउटकम एंड द चैलेंजेस लेट्स गो ऑन द डेटा। ये आपको डेटा दे रखा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स, SCPHC CHC 2013-14-15, ये सारे आपको मतलब डेटा प्रोवाइड कर रखे है कि कितने बेड्स थे, कितने डिस्पेंसरीज थी, कितने हॉस्पिटल्स थे, नर्सिंग पर्सनल थी। देखो कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत सारे नर्सेस को भी अपॉइंट किया गया, डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किया गया, एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारी कंट्री ने एकदम से अचीव कर ली, राइट। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।